राजधानी रांची से ट्रेन पकड़कर हम लोग भी निकल चुके हैं डाल्टनगंज की टूर करने के लिए। डाल्टनगंज जिसे कभी मेदिनी नगर के नाम से भी जाना जाता है, जो कोयल नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदीप, आप देख रहे हैं रांची जोन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज रांची जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्ट रह सके। तो आज हम लोग चलने वाले हैं डाल्टनगंज की टूर करने के लिए और ये भी जानेंगे कि डाल्टनगंज में ऐसी कौन कौन सी जगह है जो सबसे ज्यादा घूमे जाते हैं और डाल्टनगंज में कौन कौन से पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर नया साल में पिकनिक मनाने के लिए खासकर जाया जा सकता है। और उससे भी ज्यादा आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि डाल्टनगंज में ऐसा क्या खास है जो डाल्टनगंज को खूबसूरत बनाती है। डाल्टनगंज को कभी जमाना था जब इसे मेदिनी नगर के नाम से जाना जाता था। रांची से करीब 171 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड यह खूबसूरत शहर, अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस देखने के मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे पलामू किला का टूर करने के लिए। पलामू किला पलामू का और न केवल पलामू का बल्कि झारखंड का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली और सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यह एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहां पर जाएंगे तो आपको बेहद ही खूबसूरत किला देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर जाने के बाद आपको हिस्ट्री के ऐसे कई चीजें या फिर सबूत नजर आएंगे जो आपको यहां पर अचंभित कर सकती हैं। तो यहां पर जाने के बाद जो है आप खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं, यहां पर घूम सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं और यहां की खूबसूरतियों का एंजॉय कर सकते हैं। डाल्टनगंज से करीब 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड यह पलामू किला बेहद ही खूबसूरत है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगर कहा जाए तो ये जो पलामू किला है वह बेतला नेशनल पार्क के जस्ट बगल में ही सिचुएटेड है, मतलब बेतला नेशनल पार्क के करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही यह पलामू किला सिचुएटेड है। तो आप यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है मलाय डैम। वैसे तो डाल्टनगंज या फिर पलामू में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे डैम हैं, जैसे कि रानीताल डैम है, उसके अलावा और भी बहुत सारे डैम हैं, लेकिन ये जो मलाय डैम है वे बेहद ही खूबसूरत डैम है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको लगभग 32 किलोमीटर डाल्टनगंज से ट्रैवल करके जाना होगा। पलामू के सतबरवा प्रखंड में सिचुएटेड या मलाय डैम, आप इसे मलय भी बोल सकते हैं या मले भी बोल सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी हो यह डैम अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप यहां पर जाकर बोटिंग भी कर सकते हैं। इसकी यह सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो यहां पर जो है आपको बीच में एक टापू भी नजर आएगा, आइलैंड नजर आएगा, जो इस डैम को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। उसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है और एक बेहद ही खूबसूरत किला। यह किला शाहपुर में सिचुएटेड है, इसीलिए इसे शाहपुर किला भी कहा जाता है। हालांकि इसे गोपाल राय राजा ने बनवाया था। 1770 के दशक में बना हुआ यह किला अब बेहद ही खूबसूरत हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस अभी बन गया है और डाल्टनगंज की सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले जगहों में से एक यह जगह है। उसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है बेहद ही खूबसूरत पार्क। डाल्टनगंज से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड या चियांकी हिल पार्क बेहद ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन में से एक है। अगर आप डाल्टनगंज में हैं और अगर आप घूमना चाह रहे हैं, किसी पार्क का विजिट करना चाह रहे हैं, तो यह जगह आपके लिए बेहद ही खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप जाने के बाद बहुत सारी चीजें आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगी जो बहुत ही इंटरटेनिंग है। यहाँ पर जाने के बाद जो है आप बहुत सारी चीजों का राइडिंग भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप जिम भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में भारी भीड़ उमड़ती है, क्योंकि यह हिल में बसा हुआ या फिर हिल में सिचुएटेड यह पार्क बेहद ही अट्रैक्टिव है। इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन स्टार्ट होता है मरीन ड्राइव से। तो मरीन ड्राइव यह बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस है। अगर आप डाल्टनगंज के हैं और अगर आप जो है कोयल नदी के किनारे इस मरीन ड्राइव का एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आपका डाल्टनगंज घूमना बेकार है, क्योंकि डाल्टनगंज इसी के लिए जाना जाता है। अगर आप नेत्रहाट घूमना चाहते हैं, बेतला नेशनल पार्क घूमना चाहते हैं, डैम हो, पतरातू घाटी हो, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस, चाहे वाटरफॉल, आपको जो है इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप जो है रांची जोन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए रांची जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।